हेलो एंड वेलकम टू लॉ कन्या। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस की जो अभी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात करेंगे डॉक्टर जयश्री लक्ष्मणाराव पाटिल वर्सेस द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर्स की केस के बारे में, जिसको मराठा रिजर्वेशन केस भी कहते हैं। तो ये केस बात करता है रिजर्वेशन की और इससे रिलेटेड टॉपिक्स की। पर इस केस के बारे में जानने से पहले हमें कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और टॉपिक्स पता होना चाहिए, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईयर 1953 में प्रेसिडेंट ने एक कमिटी बनाई ताकि रिजर्वेशन किसे देना है और किसे नहीं देना तय किया जा सके। तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसे काका केलकर कमीशन भी कहती है, बनी। इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट की और बताया कि कोई भी पर्टिकुलर क्लास को सोशली एंड एडुकेशनली ब्लैकवर्ड क्लास में लाने से पहले उस क्लास के ट्रेडिशनल कंडीशन, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और यहाँ तक कि लिटरेसी रेट को भी देखा जाना चाहिए। पर कमिटी की रिपोर्ट से गवर्नमेंट ज़्यादा खुश नहीं थी। फिर गवर्नमेंट ने ईयर 1961 में एक नोटिस जारी किया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने एरिया के लिए अपने क्राइटेरियाज फॉर डिटरमाइनिंग बैकवर्डनेस खुद ही चूज कर सकती है, लेकिन साथ ही में गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क भी चाहिए थी। तो उन्होंने 1979 में एक दूसरा कमीशन, जो पॉपुलरली मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, ये बनाया। और इस कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कुछ 11 फैक्टर्स बताए जो कि एक ग्रुप को सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लास के अंदर कवर कर सकेंगे। और ये जो 11 पॉइंट्स है, इसे मेनली 3 कैटेगरीज में रखा गया, सोशल, एडुकेशनल और इकोनॉमिक। इस रिपोर्ट को फाइनली 1993 में वीपी सिंह की सरकार ने माना और 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हुए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को दिया और एडिशनल 10% रिजर्वेशन दिया अदर बैकवर्ड क्लासेस को। और इसी मंडल कमीशन के रिपोर्ट को चैलेंज किया गया था इंदिरा सुहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में, जिसको प्रॉपरली मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है। इस केस में एक 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, जिन्होंने ये बताया कि रिजर्वेशन एक तरह का प्रिविलेज है जिससे सिर्फ माइनॉरिटी सीट्स को ही देना चाहिए, ये मानते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के लिए कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं दी गई है, पर प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग इक्वलिटी को समझाते हुए रिजर्वेशन को कोई भी हालत में 50% लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम लिमिट फॉर गिविंग अ रिजर्वेशन कोई भी स्टेट के लिए कुल मिलाकर 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही में बैकवर्ड क्लास में जो क्रीमी लेयर है, उन्हें रिजर्वेशन से एक्सक्लूड करना चाहिए। ये 50% की लिमिट को पहले भी कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, जैसे कि M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस और T. देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस में। तो हमने अभी तक बैकग्राउंड देखा, अब हम चलते हैं अपने मराठा रिजर्वेशन केस पे। तो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंदिरा सुहानी केस के बाद एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की ताकि मराठाओं को एक रिजर्वेशन मिल सके, पर ये तब मुमकिन नहीं हो पाया। पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अटल थी अपने इस डिसीजन पे और फाइनली 2017 में जस्टिस M.G. गायकवाड के रिकमेंडेशन पे महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन of states for admission in educational institutions in state, for appointment in public service and post under state, for socially and educationally backward class act 2018 बनी। शॉर्ट में बोले तो महाराष्ट्र SPEC एक्ट बनी, जिसके अकॉर्डिंग अब मराठाओं को 16% रिजर्वेशन मिलने लगा। पर उसकी वजह से जो महाराष्ट्र स्टेट की टोटल रिजर्वेशन थी, वो अब कुल मिलाकर 68% हो गई। मतलब इसमें 68% में मराठा भी आ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, कुल मिला के टोटल स्टेट की रिजर्वेशन 68% हो गई, जो कि 50% से एक्सीड कर रही है। तो इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट के पास कई रिट्स फाइल हुई,
जिनका बोलना ये था कि इस एक्ट को, जो SEBC एक्ट है, इसे वायलेटिव डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये वायलेट करता है आर्टिकल 16, 15, 14 और 21 की, और साथ ही ये इंदिरा स्वानी जजमेंट के खिलाफ है। इसके बाद अगला पॉइंट ये था कि क्या स्टेट के पास पावर है कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सके। इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बुलाई, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, हेमंत गुप्ता और एस रविंद्र भट्ट की बेंच थी। कोर्ट ने यहाँ कहा कि 2018 में जो 102nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, उस एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट के पास अब कोई भी पावर नहीं है कि वो रिजर्वेशन दे पाए। अगर किसी स्टेट को रिजर्वेशन देना है तो वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को अपना सजेशन दे सकती है, पर फाइनल डिसीजन कमीशन का ही होगा जिसको प्रेसिडेंट ने कंसेंट दिया हो। तो पिटिशनर्स के ये पॉइंट कि इंदिरा सुहानी जजमेंट को एक लार्जर बेंच को रेफर करने की ज़रूरत है, इसी बात को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि इंदिरा सुहानी केस कई केसेस में बाद में भी फॉलो किया गया है, जैसे कि 2006 का एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, फिर कृष्णामूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, और अभी रीसेंट का चेब्रोलू लीला प्रसाद राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस, इन सभी केसेस में ये फॉलो किया गया। और ये बात साफ है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देना गलत होगा। इन सभी वजहों से मराठा को जो 16% रिजर्वेशन देने वाला एक्ट है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस एक्ट को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने क्या समझा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया। सबसे पहला तो 102nd अमेंडमेंट कोई बेसिक फीचर को वायलेट नहीं करता और वो अपहेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर दूसरा कि इंदिरा स्वानी केस को कोई लार्जर बेंच को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक एप्ट डिसीजन था। फिर तीसरा कि मराठाओं को एक्सेस रिजर्वेशन देने वाला केस एक्ट अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया। तो ये था आज का वीडियो और इस केस के बारे में। अगर ऐसे ही और वीडियोस आपको देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए।